सभी का मेरे YouTube चैनल आशा ब्लॉग्स में। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। जैसे देख सकते हैं आप पीछे इतने सुंदर सुंदर खेत हैं। आज हूँ मैं अपने मायके में और यहाँ देखो इतने बड़े डेग में क्या बन रहा है और कुछ प्रोग्राम है यहाँ पे। और क्या प्रोग्राम है आप लोगों को अभी पूरा ब्लॉग देखने के बाद पता लग जाएगा। कुछ खास चीज़ के लिए आज मैं यहाँ आई हुई हूँ और इतने बड़े डेगू में खाना बनाया जा रहा है। और वहाँ पे देखो रायते की तैयारी चल रही है और इसमें देखो हरी सब्जी है। और अंदर दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, इतने बड़े डेग में बनाया गया है भात। ये भी मेरे द्वारा ही बनाया गया है। ज्यादा होता है इतने बड़े उसमें से बनाया तो अभी हूँ मैं अपने मायके में। अभी मुंह देखो इतना ज़्यादा लाल हो गया क्योंकि मेरी ड्यूटी है खाना बनाने की। बाहर से रखी है दाल और अंदर रखा है चावल और बाकी रायता बन रहा है अभी और हरी सब्जी बन रही। आज यहाँ पे ना रोपाई है। वैसे हमारे वहाँ पे तो नहीं होती है रोपाई, पर मेरे मायके में रोपाई होती है और बहुत बड़ी रोपाई होती है। तो अभी दिखाऊँगी आप लोगों को। मैं नीचे खेत में जाऊँगी क्योंकि पहले खाना बना लेती हूँ। दो खेत लग चुके हैं और तीसरे खेत में अभी जाएँगे तो उससे पहले खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने खाना तैयार करना है और यह है मेरा मायका। और दिखाती हूँ मैं आपको ना, यहाँ पर खेत हैं, बहुत ही अच्छा है। मतलब कि साग सब्जी खेती बाड़ी बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे। तो ये है, ये भी हमारा खेत है, ये वाला, ये देखो इस टाइप से है यहाँ पे। अभी जो है खाना खाने का टाइम हो गया है। दो खेत पूरे हो गए हैं, उसके बाद जो है खाना खिला रहे हैं। ये है दाल है, चावल है, हरी सब्जी, रायता और सलाद। ये इतने बड़े डेगू में बने हैं और अभी खिलाते हैं पहले महिलाओं को और लोगों को। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि रोपाई लग रही है खेत में। और अभी मतलब कमी लोग हैं, पानी भी थोड़ा सा कमी है और रोपाई का चल रहा है यहाँ पे। और मैं भी अभी जाऊँगी खेत पे क्योंकि केवल मेरे मायके में ही रोपाई होती है, ससुराल में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये देखो ऐसे भूत बने पड़े हैं खेतों में। और वैसे नहीं तो मज़े रहते हैं इन लोगों के वैसे तैयार हो के। अब देखो चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। ये देखो बच्चे कल से स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे यहाँ फुल एंजॉय में हैं आज। और ये है खेत में पानी और ये है मेरे पिताजी, ये बाबू या चाओ, ये है मेरे पिताजी। दो खेत पूरा करके तीसरा खेत है, आज पहली बार दिखा रही हूँ ब्लॉग में। और ये है मोहन, ये ट्रैक्टर चलाने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात आप लोगों को दिखाती हूँ, ये चंचल है और ये 12 साल पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसी है। और ये है महिपाल, ये भी ऐसी था ऐसी है। हाँ बहुत सा आज मतलब रोपाई में वैसे मायके जब भी आते हैं तो मतलब इतने सारे लोग नहीं मिल पाते हैं एक साथ पे। तो आज बहुत सारे लोग मतलब जो 10-12 साल के बाद भी लोगों से मिल रही हूँ, कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनसे मैं मिल रही हूँ और वो लोग वैसे के वैसे हैं, हम लोग बुढ़े हो गए। तो ये हम लोग लगा रहे हैं अभी, पूते इसको बोलते हैं, रोपाई दो दो पेड़ करके डालते हैं इसको।
ऐसे पहले से तो खूब लगाया है, आज लगभग 11-12 साल के बाद फिर जाके आज लगा रहे हैं ये, क्योंकि हर साल आते भी हैं रोपाई लगाने तो खाना बनाने में ही हमारी ड्यूटी लग जाती है, तो अभी टाइम निकाल के आए हैं नीचे। और एक चीज़ और कही जाती है कि पूते जो है एक ही दिन नहीं डाले जाते, बल दो दिन उसको कराना पड़ता है, नहीं तो बेकार लगता है बोलते हैं। तो कल ये कहाँ डालेगी, कल कहाँ डालेगी तू? कहाँ डालूंगी या कल नहीं भी डालूंगी, हमारे गांव में भी है एक रुपाई, एक ही है, उस दिन क्या पता उस दिन डाल सकती हूँ। डालना ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो इस खेत में जो रोपाई लग रही है वो लग रही है कृषि विभाग के द्वारा बीज दिया गया है, और रिप परियोजना इसको देख रही है। आप लोगों को पता है रिप का मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है इस ब्लॉग के माध्यम से, वो अभी ब्लॉग से सर लोग आए हैं और वो दिखा रहे हैं कि मतलब कैसे डालना है, एक लाइन में लाइन वाइज जो है रस्सी डाल के तब जाके ये पूते जो रोपाई लगाई जा रही है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। के पीछे लगाना ये देखो दीदी को, तो ये है रस्सी, पेड़ लगाओ ना एक तो सूख जाएगा, रस्सी की लाइन डाल के फिर जाके लगाई जा रही है एक लाइन में, दो पेड़ लगाने एक साथ बस। आप पीछे देखना, पीछे खराब मत कर देना, लाइन लगेगी पिछले पे अगले पेड़ के बगल, आप पीछे लगाना उसको, ठीक है? चलो स्टार्ट करो, रखो था ये पीछे करो उसको, ये यहाँ लगाओ, लगाओ रस्सी पे टच करके, रस्सी से टच करते हुए लगाना है पेड़, रस्सी को टच करते हुए। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको दूर लगाओ फिर आसे उसको आगे आगे को टेढ़ा कर देते हो। अच्छा उधर पांडा जी साइड लगाओ, एक आदमी उधर कम है। चलो उठाओ सर लगाओ, ये ऐसे रस्सी के सहारे मतलब लाइन से पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि एक लाइन में सारे पेड़ लग जाए। बिल्कुल रस्सी से टच करते हुए। तो अभी भी ना मतलब खेत में ही हैं वो लोग, लगभग 5 बजने वाले हैं, और जो सर लोग ब्लॉक से आए हैं ना वो अभी भी मतलब रस्सी पकड़े हुए हैं, पूरे खेत में एक लाइन में उन्होंने बीज लगाना है, क्योंकि अगर हम एक साथ लगा देंगे तो धान उतने अच्छी मात्रा में नहीं हो पाएगा। तो अभी भी मतलब रस्सी पकड़े हुए हैं और लगातार महिलाओं के साथ। यहाँ पे बकार भरने वाली है, बकार भरने का मतलब आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे रोपाई लगाई जाती है तो बकार भरा जाता है फूल वूल से, मतलब जहाँ पे पिन रखा होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा पाठ, हाँ पूजा पाठ से वो मतलब अच्छे से ये रहता है उसका मतलब कि इस खेत में अगर हम धान लगा रहे हैं तो मतलब बकार भरना चाहिए उसे, ये उसका मतलब रहता है। और ममता जा रही है बकार भरने, देखो उसमें ना कीचड़ मजाक भी चलता है, कीचड़ वगैरह डालते हैं। मैं अपना बंदोबस्त करके जा रही हूँ, ये पूरा अपना मुंह सब ढक के बरसाती पहन के जा रही है, और नीचे यहाँ पे अभी पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हम लोगों ने धान के बीज रखे थे। और ये है फूल, ये फूल है, ये बीच में इसके साथ पे एक भी वो बिन का आठ मतलब कि बीज का आठा रखा जाएगा, और एक ये फूल का ये बीच में रखा जाएगा, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। ये देखो अभी भी मतलब लाइनवार ये है खेत, इतना लग गया है ये, यहाँ से रस्सी पकड़ना स्टार्ट कर लिया था और अभी यहाँ पहुँच चुके हैं खेत के, अभी भी रस्सी पकड़े हुए हैं सर लोग, ऐसे पाइपों में पानी आता है ये तब जाके रोपाई लगती है। ये देखो छोटा किसान पीयूष, इधर देख, ये पीयूष है छोटा किसान, ये देखो।
ममता को देखो इतना नीचे भागी हुई है वो, मतलब इसको लगाना है कहीं पर भी भकार भरना है, फूल हाथ में लेके घूम रही है, कहीं पर भी मतलब उसको मौका मिले तो वो चोप देगी, हाँ चोप देगी चल देगी, मतलब ऐसा लग रहा है इसको देखे, इतना नीचे खेत में भागी हुई है ये। और बाकी सब जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सब ममता पे हमला करने के ताक में बैठे हैं ये। ये भर दिया है। ये चल रहे हैं ये देखो। अभी आपने देखा मतलब रोपाई भी लग रही है और लगभग ख़त्म होने वाला ही है, तो अब हम लोग दिन का जैसे खाना वगैरह तो खा लिया था सभी ने, उसके बाद शाम को ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा नाश्ता कराया जाता है, तो चाय और पकौड़े की व्यवस्था की गई है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, वैसे ड्यूटी मेरी थी चाय पकौड़ी बनाने की, मैं उसकी तैयारी करके आई पर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ भी महिलाओं के साथ पूते डालने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन लोग हैं जो पकौड़ी बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो छाता देख लो, पकौड़ी भीग रहे तो इसलिए यहाँ छाता लगाया गया है, देखो ये ऐसे बन रहे हैं पकौड़ियाँ, इतने बन चुके हैं, इतने ही बने हैं अभी अंदर हैं, ये हैं पकौड़ियाँ। ये अभी हम लोग अब जाने लग गए यहाँ से, और ये है मेरा मायका और ये है अम्मा, ये है अम्मा, ये है, ये अम्मा है मेरी, आज पहली बार ही वीडियो में दिखा रही हूँ। और अम्मा को बोला चलने के लिए, अम्मा कह रही है अभी बहुत काम हो रहा है, बोल क्योंकि अम्मा बहुत ज़्यादा काम करती है, और मेरे को देख रही है अम्मा, हंस भी रहे हैं, ये है बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो इसलिए छोड़ के नहीं आ सकते हैं काम अभी, और आराम करना मतलब अम्मा का है ही नहीं, अम्मा बहुत ज़्यादा काम करती है, और अभी थोड़ा सा काम कम हो जाएगा तब आएगी अम्मा मेरे घर पर। हेलो गाइज बोलो, हेलो बोलो, मेरी वीडियो को लाइक करना बोलो, लाइक करना। हाँ अभी हम लोग यहाँ से जाने लग गए हैं, ये है दीक्षु, बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय।